हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल से ही रिलेटेड है कि किस तरह से जो डेसिमल की वैल्यूज होती हैं उन्हें हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। पहले हमें बड़ा नंबर ढूंढना होता है, फिर क्या करना होता है, छोटा नंबर ढूंढना होता है। तो बिग टू स्मॉल, ठीक है? और इसमें हमें साइन भी डालने हैं। 56.66, 87.45, 87.54, 57.66। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 56 है, ये 57 है, ये 87 है, ये भी 87 है। दैट मीन्स हमारा बड़ा नंबर कौन सा है? 87। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में दोनों में से बड़ा कौन सा है? 87 तो दोनों बराबर हो गए, 45 बड़ा है या 54? काउंटिंग आपको आनी चाहिए कि पहले कौन सा नंबर आता है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ एक ही चीज की कहानी है कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमें ये पता लगेगा उसी से कि 45 पहले आता है कि 54, ठीक है ना? तो 45 पहले आता है, दैट मींस वो 54 से छोटा हो गया। तो हमारा 54 जो है वो क्या है? बड़ा नंबर है, 87.54। फिर उसके बाद 87.45। फिर 56 बड़ा है कि 57? 57 बड़ा है, ठीक है? और लास्ट में आया हमारा 56, ठीक है? 87 वाले नंबर्स को देखा है पहले हमने, फिर उनमें देखा है कि 45 बड़ा है या 54। दैट मीन्स 54 बड़ा है, फिर 45 लिखा, फिर 57 लिखा और फिर 56 लिखा। नेक्स्ट देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। 3.004। अब सबसे पहले 3 और ये 0, दैट मीन्स ये तो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा क्योंकि ये 0 वाला है। अब 3.004 बड़ा है, 3.04 बड़ा है या 3.4 बड़ा है? हमें पता है ये वैल्यू है टेंथ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस। ये है टेंथ, हंड्रेड प्लेस और ये है टेंथ प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.4, ठीक है? ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। आपको पता है कि 3.4 को जब उसकी 3 डेसिमल वैल्यूज जो हम लिखते हैं वो 3.400 हो गया, 400 हो गया। दैट मीन्स ये 400 है और ये 004 है, ये 04 है। तो इनमें ये ध्यान रखो कि 3.4 जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है हमारा 3.04। क्यों? क्योंकि उसमें टेंथ और हंड्रेड प्लेस है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा 3.004। क्यों? क्योंकि ये हमारा टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड प्लेस आती है, ठीक है? दैट मीन्स 3.4 बड़ा है, उससे छोटा 3.04 है, फिर 3.004 है एंड लास्ट में 0.304, सबसे छोटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 3.4 का मतलब है 3.400, दैट मीन्स 400। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। फिर है 3.04 और ये है 3.004, उससे छोटा एंड द लास्ट 0.304। नेक्स्ट है 6.291, 6 और 6, सबकी वैल्यूज क्या है? 6 वाली है। तो अब हम 291, 192, 912, 129, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 912 वाला, ठीक है? 912 को अब हम छोड़ देंगे। अब 291 बड़ा हो गया, ठीक है? 6.291, फिर 6.192, 6.129। बड़े से छोटे में चलना है। 912, 291, 192, 129। काउंटिंग अगर आपको आती है अच्छे से, आप आराम से ये कर सकते हैं। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं हम अपने असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉल टू लार्ज या स्मॉल टू बिग, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? स्मॉल टू बिग, दैट मीन्स
यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है। 0101, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जीरो वाला। तो इन दोनों जीरो वाले नंबर्स को देखेंगे, 0.008 एंड 0.18। छोटा कौन सा हो गया? 0.008, ठीक है, 0.18। ये समझ में आया? ये हमारी, हमें 1000 प्लेस तक वैल्यू दी गई है और ये हमारी 100 प्लेस तक ही है। तो 0.088 सबसे छोटा, फिर 0.18 उससे बड़ा। अब 1.08 और 1.18 में से कौन सा छोटा है? 1.08, ठीक है, और लास्ट में बचा 1.18। आपको ये ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा क्योंकि 8 है ये और ये 18 है, तो छोटा कौन सा होता है, 8 या 18? 8 छोटा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7.32, 7.12, 7.04, 7.23, सारे 7 वाले हैं। अब 32 बड़ा हमें निकालना है, छोटा 32, 12, 4, 23। तो 4 क्या है? सबसे छोटा, फिर 4 को छोड़ दो, 32, 12 और 23 तो है छोटा 7.12, ठीक है। फिर 23 छोटा है या 32? 7.23 एंड द लास्ट इज 7.32। 7.04, 7.12, 7.23, 7.32, ठीक। लेट्स सी वन मोर, 6.32, 63.2, 32.6, 23.6। सबसे छोटा कौन सा हो गया? 6 वाला। फिर अब इन तीनों वैल्यू में से देखो, 63, 32, 23, तो 23.6। अब 63 या 32? 32.6। बहुत ही इजी है अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तब, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल्स वाली वैल्यूज हैं तो इसमें थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हो। आई नो दिस, दैट्स व्हाई ये टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि ये डेसिमल्स वाले हैं और आप लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा। आप सिर्फ नंबर्स का ध्यान रखो कि सबसे पहले छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर बड़ा कौन सा है, फिर सबसे बड़ा कौन सा है। तो बच्चों, ये है आपका होमवर्क, बहुत ही छोटा सा है, एक एक सवाल करना है आपने। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल, साथ में साइन लगाना मत भूलना। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।